गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 क्वेश्चन 7 का अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन 7 कहता है निम्नलिखित काव्यांश पर का पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो पहला काव्यांश को हम का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। तो मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मीरो चरो नित नंद की धीनु मंझारण, पाहन हो तो वही गिरी को जो किए हरि छत्र पुरंदन धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की धारण। तो यहाँ पर कबीर आसखान कहते हैं अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं गोकुल गाँव की किसी ग्वाले के यहाँ जन्म लूँ, अगर मैं पशु बनूँ तो मैं नंद बाबा के गाय में से किसी एक गाय बनकर उनके नंद गाँव में ही रहूँ, अगर मेरा जन्म किसी पत्थर के रूप में हो तो मैं गिरी उस पर्वत का पत्थर बनूं जिस पर्वत को कृष्ण भगवान ने अपनी हाथों पर उठाए थे, अगर मेरा जन्म किसी चिड़िया के रूप में हो तो मैं उस कदम के पेड़ पर अपना बसेरा डालूं जिस कदम के पेड़ के नीचे बैठकर कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे और नंद बाबा के गायों को चराया करते थे। तो ये था बच्चों इस काव्यांश का अर्थ। अब हम लोग आगे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर आधारित जो प्रश्न है उसका सही आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है मनुष्य तथा पशु का जन्म मिलने की स्थिति में कवि की क्या इच्छा। तो मनुष्य का जन्म मिलने की स्थिति में कवि की इच्छा है कि वो जो ब्रज गोकुल गांव है, ब्रज गांव है तो उसी गांव के किसी ग्वाले के रूप में किसी ग्वाले के यहाँ वो जन्म ले, ताकि उन्हें वहाँ गाय वगैरह कृष्ण के भगवान के समान जो है उन्हें गाय वगैरह चराने का मौका मिलता रहे। साथ ही वे कहते हैं कि अगर उन्हें पशु के रूप में जन्म लेने का मौका मिले तो वे नंद बाबा के यहाँ किसी गाय के रूप में वो जन्म ले, ताकि कृष्ण भगवान के द्वारा वे चराए जाए, ताकि वो कृष्ण भगवान के संपर्क में रहे। मनुष्य के रूप में भी वही चाह रहे हैं कि ग्वाले के रूप में जन्म लेने के कारण जो है वो कृष्ण भगवान के साथ गाय चराने के लिए हो जाए, यानी कि किसी न किसी रूप में वो कृष्ण भगवान के संपर्क में रहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि किस गिरी का पाहन बनना चाहते हैं और क्यों। तो कवि उस गिरी का पाहन बनना चाहते हैं, पत्थर बनना चाहते हैं जिस पर्वत को कृष्ण भगवान ने अपने हाथों पर उठाया था, उंगली पर उठाया था। ऐसा वो यूँ करना चाहते हैं क्योंकि हर स्थिति में वो कृष्ण भगवान के संपर्क में रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कभी वो कृष्ण भगवान से अलग हो, उनका विलोप हो, और चाहते हैं कि ऐसा हर रूप में वो कृष्ण भगवान के संपर्क में ही बना रहे। अगला क्वेश्चन है पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ। तो इसका आंसर होगा बच्चों पुरंदर शब्द इंद्र भगवान के लिए इस्तेमाल हुआ। यहाँ आप इसमें काव्यांश में भी देखेंगे वहाँ दिया गया है पाहन हो तो वही गिरी को जो कि वो हरिछत्र पुरंदर धारण, मतलब कि जिस गिरी को कृष्ण भगवान ने अपने हाथों उंगली पर उठाए थे और उस इंद्र भगवान से पूरे नंद गांव की रक्षा किए थे। जैसा कि आपको मालूम है किसी बात से इंद्र भगवान काफ़ी क्रोधित होकर जो है नंद गांव पर काफ़ी भयंकर घनघोर वर्षा करने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि पूरा नंद गांव ही पानी में बह जाएगा। तो उस भयंकर बारिश से, उस घनघोर बारिश से, उस मूसलाधार बारिश से कृष्ण भगवान ने पूरे नंद गांव की रक्षा की थी, उस पूरी गिरी को, उस पर्वत को उठाकर और सारे गाँव वासियों को उस पर्वत के नीचे, यानी कि वो पर्वत एक तरह से छाते का काम कर रहा था, छत्र का काम कर रहा था, इस तरह से उन्होंने पूरे गाँव वासियों की रक्षा की। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि काव्यांश को जब हमें सोल्व करना है तो सबसे पहले उस काव्यांश का मर्म समझें। अगर काव्यांश का मर्म समझ लेंगे तो बड़े ही आसानी से उस माने सारे प्रश्नों का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर उसका मर्म आप नहीं समझेंगे तो पता चलेगा कि आपके द्वारा लिखे गए जो प्रश्न हैं वो सटीक नहीं है। तो बच्चों आज बस इतना ही, कल क्वेश्चन 8 के साथ हम लोग मिलेंगे।